सोरायसिस और एक्जिमा ऐसे रोग हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सोरायसिस में चमड़ी शरीर की बार बार उधड़ने लगती है, गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, हाथों में, पैरों में, पीठ में, पेट में, पूरे सिर में फैल जाता है। पहले चेहरे पर नहीं होता था, आजकल तो चेहरे पर भी हो जाता है, और इतनी भयंकर खुजली होती है आदमी सह नहीं पाता और कई बार तो आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। स्टीरॉयड लेकर के और कई तरह की जो है मलहम लगा करके आदमी कुछ दिनों तक तो कंट्रोल कर लेता है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 साल तक लोगों को तड़पते बिलखते देखा है सोरायसिस। एक्जिमा भी ऐसे ही होता है, वो भी एक बार हो गया तो फिर बार बार वो होता है और जो है बढ़ता जाता है, हाथ पैर में जहाँ भी हो गया वहाँ काला पड़ जाता है, फिर और वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है, पूरी चमड़ी को खराब कर देता है और वहाँ पर फ्रेश स्किन आ ही नहीं पाती है। क्या करें? एक तो प्राणायाम करें। सभी तरह के चर्म रोगों का मुख्य कारण है यकृत की विकृति, अर्थात हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। मैंने देखा है जिनको 30-30, 40-40 सालों से, 10-10, 20-20 सालों से सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कपालभाति प्राणायाम आधा आधा घंटा किया और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 15-15, 20-20 मिनट किया। एक्जिमा ठीक हो गया, सोरायसिस क्योर हो गया, बड़ी बात थी, निशान भी गायब हो गए। माने अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम से। बस नमक और मीठा कम कर दें अथवा बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, बैंगन बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और खाने पीने में सादा आहार लें, अंकुरित लें, और जितना भी हो सके सलाद का प्रयोग करें, कच्चा खाएं, सुबह उठ करके पानी पिएं, दिन भर भी पानी की मात्रा पूरी रखें, चिंता ज्यादा ना किया करें, खुश रहने की कोशिश किया करें। जिनको भी ये सोरायसिस की प्रॉब्लम है उनके लिए हमने औषधि के तौर पर देखा कायकल्पवटी, एक महीने भर में लगभग 20 ग्राम रसमाणिक्य या ताल सिंदूर, ये भी लगभग 2 ग्राम से 4 ग्राम, रसमाणिक्य 1 से 2 ग्राम, और इसमें अमृता सत मिला देते हैं 10 से 20 ग्राम गिलोय का सत, और ये सब मिला करके फिर पाउडर बना देते हैं, और सब मिला करके 60 पुड़िया बना दी, सुबह समय एक एक पुड़िया खाली पेट पानी से खिला देते हैं। गिलोय घनवटी और नीम घनवटी ये भी एक एक या दो दो गोली, जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दो दो गोली ले सकते हैं, नहीं तो एक एक गोली खाने के बाद दे सकते हैं। और सोरायसिस के साथ सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो जाता है तो उस समय फिर कैशोर गुगुल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो कि लाभप्रद होता है चर्म रोगों में भी और अर्थराइटिस में भी। गुगुल भी शरीर की खून की शुद्धि करता है, और कायकल्प तेल लगाने से अद्भुत लाभ होता है। हमने देखा जिनको कई कई वर्षों से सोरायसिस की प्रॉब्लम थी, कायकल्प तेल को लगाया, कायकल्प वटी को ही खाया खाली और प्राणायाम किया, उसी से उन्होंने अपना सोरायसिस हमेशा के लिए मिटा लिया। जिनको भी सोरायसिस की प्रॉब्लम है वे अपना पेट भी साफ रखें, और उसके लिए कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास, इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा।